तो गेमिंग माउस वो भी अंडर 500। ओके तो बात करते हैं। ये जो गेमिंग माउस है एम्ब्रेंट कंपनी की तरफ से आने वाला है, एम्ब्रेंट ट्रोन गेमिंग माउस है, जो कि आपको ये 500 रुपए के अंदर में मिलता है। हमने इसे 499 रुपए में परचेस किया था। ऑफर वगैरह चलता है तो ये इससे भी प्राइस 50 रुपए वगैरह जो है कम हो जाता है। बाय द वे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो माउस जो है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब थोड़ा वाइड है, बट लाइट वेट है। 1.5 मीटर का ब्रेडेड कॉपर वायर मिलता है इसमें। इसके जो बटन्स हैं ये मुझे सॉफ्ट लगे। बीच में चौड़ा स्ट्रैप विथ ग्लॉसी फिनिशिंग, जिस पर लिखा हुआ मिलता है गेम ऑन, और इसी के थोड़ा नीचे एम्ब्रेंट की ब्रांडिंग। और हाँ, इसका जो बॉडी है टोटली प्लास्टिक का है। अब चूंकि इसका प्राइस 499 रुपए है तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक है, डिसेंट है। जब आप इसे साइड फ्रेम से देखते हैं तो इस तरह का कटआउट आपको देखने को मिलता है फॉर आरजीबी, और यहाँ पर थंब रेस्ट के लिए भी बनाया गया है, और साइड में जो है वो दोनों फिंगर रेस्ट जो होता है उसके लिए भी डिजाइन किया गया है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। 7 प्री प्रोग्राम्ड बटन, साथ ही साथ जो इसका आरजीबी लाइट है जिसमें 7 कलर ब्रीदिंग लाइट मिलता है। बट ये जो आरजीबी लाइट है इसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन इस माउस में नहीं मिलता है। दैट मींस कि जब आप इसे यूजेस में लेते हैं तो आरजीबी लाइट जो है वो कंटिन्यू जलते रहता है। आरजीबी लाइट का जो इंटेंसिटी है वो डिसेंट है, ज्यादा खास नहीं है। अब जैसे कि हमने आपको कहा कि इसमें 7 प्रोग्राम्ड बटन आपको मिलता है, लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन जो कि हर माउस में आपको मिलता है, स्क्रॉल बटन। अब यहां पर स्क्रॉल बटन हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्क्रॉलिंग के साथ साथ ये दबता भी है और इसका यूज भी आप ले सकते हैं। अगर इसके स्क्रॉल बटन को गौर से देखें तो रबर स्ट्रिप का यूज किया गया है जो इसके लुक को इनहेंस करता है, और साइड में फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन। वहीं अगर आप देखें ये वाला जो बटन है जो ऊपर में आपको ये दिख रहा है, ये डेडिकेटेड एक गेमिंग बटन है। बेसिकली जब आप अपने पीसी पर गेम वगैरह कर रहे होंगे तो वहां पर क्या है कि इस बटन का यूज करके जो फायरिंग होता है ना, तो इसका आप यूज कर सकते हैं फायरिंग के लिए। बट सवाल यहां पर ये है कि ये कितना यूजफुल आपके लिए हो सकता है गेमिंग में, क्योंकि स्पीड जो है वो मायने रखता है यहां पर। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस बटन के साथ वो डिसेंट रहा है, ज्यादा फास्ट नहीं है, हल्का लैग करता है। वहीं अगर आप माउस के ऊपर बीच में देखें तो एक और बटन जो है वो आपको दिख जाता है, जो कि 3 एडजस्टेबल डीपीआई कंट्रोल बटन है। डीपीआई कंट्रोल बटन कहने का मतलब ये है कि आप इसके माउस के क्रसर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमम है 1200 डीपीआई, उसके बाद आता है 2400 डीपीआई, और जो मैक्सिमम है वो है 3600 डीपीआई। ये जो डीपीआई है यूजर मैनुअल में दिया गया है। भैया जब हम वेबसाइट पर मतलब इधर उधर छानबीन कर रहे थे, मतलब इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर हमें देखने को मिला कि जो डीपीआई यहां पर यूजर मैनुअल में 3600 मैक्सिमम दिया गया है, वेबसाइट पर वही डीपीआई मैक्सिमम जो है 3200 दिख रहा था। तो एग्जैक्ट क्या वैल्यू है ये बता पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि दोनों जगह पर जो नंबर्स थे वो डिफरेंट थे। माउस में आपको मिलता है 6 महीने की वारंटी। तो फाइनली माउस के बारे में हम हर चीज डिटेल से जान गए। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो इसमें डेडिकेटेड गेमिंग बटन दिया गया है ये थोड़ा स्लो है। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस माउस को लेने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा गेम करते हैं और आपके दिमाग में ये माउस गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा हुआ है कि भैया 500 रुपए में मिल रहा है, 500 रुपए के अंदर में मिल रहा है, तो चलो ले लेते हैं, बढ़िया एकदम गेमिंग माउस मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर डेली यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये माउस हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ आप ले सकते हैं, क्योंकि डेली यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफेक्ट है। अंडर 500 रुपीज में आपको आरजीबी मिल जाता है, बटन आपको साथ मिल जाते हैं, आरजीबी जो है ब्रीथिंग मिल जाता है, ज्यादा हास नहीं है, डिसेंट जो है इसका लाइट आरजीबी लाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर जो माउस का वेट है वो भी ज्यादा नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जो मूवमेंट होता है माउस का, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ये मूव वगैरह कर रहे हैं, वहां पर मुझे थोड़ा स्मूथ नहीं लगा। ये हम कॉन्स में ले लेते हैं, तो कॉन्स नंबर 1 हो गया। कॉन्स नंबर 2, ये आपको काफी ज्यादा इरिटेट करने वाला है अगर आप ये माउस लेते हैं तो, वो है कि जब आपका पीसी चालू है, आप इस माउस का यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने पीसी को बंद करते हैं और फिर 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर से अपने काम पर लगने के लिए पीसी ऑन करते हैं, तो जब भी आप ये ऑन ऑफ वाला फंक्शन कर रहे होंगे अपने पीसी के साथ, तो यहाँ पर ये जो माउस का डीपीआई है बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर लो में सेट रहता है ये उसमें चला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इरिटेट करने वाला है अगर आप ये माउस लेते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास ये वाला माउस है आप यूज कर रहे हैं तो आप अपना ओपिनियन जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भैया नीचे जब आपके कमेंट को लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलता है, ज्यादा ओपिनियन रहता है तो लोग को समझने में आसानी होता है कि क्या हमें ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। दूसरी बात, हमने एक और माउस का रिव्यू किया था ऑफबीट की तरफ से आने वाला माउस, उस वीडियो का लिंक
लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये माउस लेने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी जरूर देखिए, तो एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या ये माउस लेना चाहिए या फिर वो वाला माउस लेना चाहिए। प्राइस डिफरेंस की बात करें दोनों माउस में तो लगभग जो है 500 रुपए का डिफरेंस दोनों माउस में आपको देखने को मिलता है। ये जो एमरेंट की तरफ से एमरेंट ट्रोन गेमिंग माउस है ये 500 रुपए में आपको मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह रहा तो ये 450 रुपए में भी मिल जाता है। बट वहीं अगर हम ऑफबिट के उसे जॉ रिप माउस की बात करें तो वो आपको 1000 रुपए का मिलता है, कभी कभी डिस्काउंट पर जो है वो 800 रुपए, 850 रुपए, 900 रुपए, इस तरह से प्राइस चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको हमारा ये अनबायस्ड रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हाँ भैया जी चैनल सब्सक्राइब भी तो कभी हम आपके ऊपर छोड़ दिए, अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मन ना करे तो भैया फिर भी ललका वाला बटन दबा दीजिएगा और जब सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन बेल उसको काहे छोड़ेंगे उसको भी दबा दीजिएगा। और कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनबायस्ड रिव्यू के साथ।